नमस्कार। तो आइए आज के इस वीडियो में लोकतंत्र को बड़े ही आसानी से बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप में समझते हैं। तो यहाँ पे लोकतंत्र एक शासन है जिसका खुद मालिक पूरी जनता होती है, ये आपको भी पता होगा। इससे पहले शुरू करने से पहले थोड़ी और भी पुरानी शासन व्यवस्था और जगह की भी शासन व्यवस्था को एक झलक देख लें। जैसे कुछ शासन की एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। राजतंत्र, जिस शासन की मालिक एक राजा हुआ करते थे। राजा पे बहुत सारी कहानियाँ भी आप सुने होंगे, राजतंत्र के बारे में अच्छी खासी जानते हैं। तानाशाह, जो कि सैन्य बल के शक्ति के भरोसे जो कोई व्यक्ति अपना अधिकार जमा लेता है वही तानाशाह होता है। बहुत सारे देश में तानाशाही शासन चल रही है। पाकिस्तान की भी एक घटना, जो सैनिक के बल पे वो शासन छीन ली गई थी, वो सब तानाशाह कहलाती है। साम्यवाद, जो कि किसी एक विशेष दल से पूरे शासन व्यवस्था को संभाल दी जाए वो साम्यवाद, जैसे कि इसको इंग्लिश में कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। चाइना की बात कर ले, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे बारी आती है लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र की बात कर ले, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी जो एक ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, डेमोसक्रेसी से मिलकर बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। अब इसके बारे में एक छोटी सी परिभाषा भी दी गई है। वैसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति का स्रोत मुख्य रूप से जनता होती है। यहाँ पे सबसे सुंदर परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी हुई थी, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। हिंदी में कहे तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा एक शासन है। यहाँ से आप स्पष्ट तौर पे ये समझ गए होंगे कि लोकतंत्र है क्या, लेकिन ये कैसे काम करती है। अब यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। अब जरा आप सोचिए, पूरी जनता जब मालिक हो जाए, कोई शासन व्यवस्था लागू करना है, किसी व्यवस्था पे बात करना है, अब एक बड़ी संख्या वाले, जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाती है। क्योंकि पूरी जनता को वो कहाँ एकत्र करके पूछेगा कि आप अपनी सहमति बताइए, आप अपनी सहमति बताइए। ये एक टॉप टास्क होने लगी। छोटी जनसंख्या वाले देश के लिए तो टॉप नहीं थी, लेकिन जो बड़ी जनसंख्या, जैसे भारत की ही बात कर ले, भारत एक लोकतंत्र है, अब इसके लिए पूरी जनता से अपनी राय पूछना कि बताइए GST को ऐसे लागू किया जाए कैसे सही रहेगा, पूरी जनता इसमें बोले, काफ़ी टॉप टास्क था। अब ऐसे में लोकतंत्र को दो प्रकार से विभक्त किया गया, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष शब्द से आप तो समझ ही गए होंगे, जिसमें पूरी जनता प्रत्यक्ष तौर पे अपनी डिबेटिंग रखे, अपनी बात रखे, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होती है। ये छोटी जनसंख्या वाले देश के लिए, जैसे स्विट्जरलैंड में जनता जो है प्रत्यक्ष तौर पे हिस्सा लेती है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष में भारत, अमेरिका, कनाडा इत्यादि जैसे देश अप्रत्यक्ष इसलिए हैं क्योंकि बड़ी जनसंख्या है। अब हम समझेंगे अप्रत्यक्ष क्या है। अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि जनता में से ही एक व्यक्ति जनता के द्वारा चुन के ही जाता है। बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष की बात करें, एक अध्यक्षात्मक होते हैं और एक संसदात्मक। अब अध्यक्षात्मक का मतलब हुआ राष्ट्र का कोई एक अध्यक्ष हो जो जनता के द्वारा चुना हुआ हो, वो अध्यक्षात्मक हो गए। संसदात्मक मतलब होता है कि राष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जनसंख्या के अनुसार अलग अलग व्यक्ति चुन के आते हैं, एक साथ बैठते हैं एक अलग 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 जनसंख्या से आकर, और वहीं एक सांसद बोलता है जिसको संसदात्मक बोलते हैं। अब रही बात भारत, तो भारत में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों ही प्रकार के, क्योंकि राष्ट्रपति भी यहाँ पे चुने जाते हैं और सांसद भी होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में सब कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, लोकतंत्र की झलक एक बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये लोकतंत्र के चारों स्तंभ होते हैं। यही मिलके पूरे लोकतंत्र को कार्य करते हैं। अब रही बात की पावर, तो पूरी जनता की है। अब जनता की पावर कहाँ पे अब जाती है, अब यहाँ पे पूरी जनता अपनी पावर दे देते हैं विधायिका को। इस विधायिका में पूरी जनता की पावर चली जाती है। कैसे चली जाती है, आपके क्षेत्र से सांसद में जो व्यक्ति खड़ा होते हैं प्रत्येक जिला से, वो लोग जीत के सांसद भवन में जाते हैं, और आपके राज्य से बहुत लोग विधानसभा का चुनाव लड़के आते हैं, वो विधानमंडल में जाते हैं। तो विधायिका एक सांसद होती है और एक विधानमंडल हो जाती है। केंद्र स्तर पे सांसद और राज्य स्तर पे विधायक, दोनों में ही जनता हिस्सा लेती है, सांसद चुनने में भी
और विधायक चुनने में ही पूरी जनता भाग लेती है, यानी कि जनता दो रूप से अपना पूरा अधिकार इस विधायिका को दे देती है। अब ये विधायिका जो नया कार्य निर्माण करे, नए कार्य पे डिबेट करे, अलग अलग क्षेत्र से विधायक होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से सांसद भी होते हैं, ये लोग अपना डिबेटिंग करके कार्य को पारित करते हैं, कार्यपालिका उस कार्य को करते हैं, न्यायपालिका उसके भला बुरा की न्याय करते हैं, और मीडिया पुनः इस चीज़ की देखी अनदेखी को फिर जनता को दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा आदमी ऐसे काम कर रहा है, ये जनता को दिखाते हैं। बड़ा ही सुंदर ढंग से इस लोकतंत्र को सजाया गया है। अब अगले स्लाइड में देखिए और क्लियर होगा। यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका दो तरह की बात डिटेल्स की गई है। जैसे सांसद तो आपको पता हो गया, और विधान मंडल दोनों में ही जनता चुनती है। यहाँ पे सांसद चुनती है केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे विधायक लोग को चुनती है। अब सांसद का भी कार्य कार्यपालिका करता है, विधान मंडल का भी कार्य कार्यपालिका करता है। अब इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है। सांसद में जो डिबेटिंग होती है पूरे केंद्र स्तर की, वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हुए पूरे कार्यपालिका तक लागू हो जाती है। विधानमंडल में जो राज्य स्तर की पूरी डिबेटिंग होती है, वो राज्यपाल से होते हुए पूरे कर्मचारी तक, ये सारी चीज़ इसमें भी है, कर्मचारी तक चली आती है। अब यहाँ पर राज्यपाल भी केंद्र के द्वारा ही आते हैं, क्योंकि राज्य एक अलग नहीं है। यदि राज्य की राज्यपाल में राज्य में यदि केंद्र की कनेक्टिविटी नहीं हो, तब तो राज्य एक अलग राष्ट्र बन जाए। इसलिए सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। ये राज्यपाल केंद्र स्तर पे आए हुए होते हैं, ये राज्य की प्रमुख बन के देखते हैं कि भाई ये राज्य कैसे कार्य कर रहा है। इसीलिए जो भी नया कानून पास होता है वो विधानमंडल से आके पहले राज्यपाल के पास आता है, तो फिर मुख्यमंत्री, ये भी एक विधायक के रूप में जीते हुए होते हैं और मुख्यमंत्री बने हुए होते हैं, इनके पास आता है, और फिर राज्य मंत्री जो होते हैं हर एक कार्य के अनुसार मंत्री होते हैं, गन्ना मंत्री, सहकारिता मंत्री, अलग अलग के मंत्री होते हैं, उन लोगों को ये कार्य बांट दिया जाता है। कार्य किसके अनुसार है, उनके अनुसार फिर सचिव पे आ जाता है, फिर जो अधिकारी होते हैं जिस क्षेत्र के, सारे क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर कार्य को करते हैं। सेम मतलब ये कार्य सांसद और विधानमंडल दोनों के लिए होता है। तो उम्मीदन विधायिका और कार्यपालिका भी समझने में आप बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। न्यायपालिका जो कि मुख्य रूप से देखें तो जिसकी प्रमुख न्यायपालिका की प्रमुख में सुप्रीम कोर्ट जो पूरे केंद्र स्तर पे होते हैं, हाई कोर्ट उससे निचले स्तर पे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उससे छोटे। नीचे से बात करें, कोई भी आपकी समस्या होती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, नहीं सुलझी तो हाई कोर्ट में, फिर भी नहीं सुलझी तो सुप्रीम कोर्ट में, और तो पता है मूल अधिकार तो डायरेक्ट आप कहीं भी रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये कोर्ट की हो गई, कोई भी गलती आपके साथ होता है तो कोर्ट बनाया गया है। अब उसके बाद में इन लोगों की क्या कार्यवाही हो रही है, इस चीज़ को आपके मीडिया बंधु दिखाते हैं, जिसको मानता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये जितने लोग कार्य करते हैं ये सारे चीज़ को आपको खबर देने का प्रयास करते हैं। तो ये एक लोकतंत्र की छोटी सी झलकी थी, जिससे आप एक लोकतंत्र के कार्यकाल को समझ गए होंगे कैसे कार्य होता है। हम इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा समय आपका लेना भी नहीं चाहेंगे, कम से कम समय में अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक मिल जाए, यही हमारे लिए खुशी का विषय होता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आप अपना प्यार बनाए रखेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।